आज मैं आपको ये क्वेश्चन 27 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 27 है आप देख सकते हैं ये क्लास 9th की CBSE की साइंस की ओसवाल सैंपल पेपर की बुक है, जिसमें शॉर्ट पेपर 2012 से लेकर 2019 तक के क्वेश्चन दिए हुए हैं और चैप्टर का नाम है मोशन। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड है और ये क्वेश्चन बोर्ड टर्म फर्स्ट 2012 सेट 0115 को आ चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ साइक्लिस्ट मूविंग अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 63 मीटर कंप्लीट्स 3 राउंड्स इन 3 मिनट्स, कैलकुलेट फर्स्ट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई हिम ड्यूरिंग दिस टाइम, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साइक्लिस्ट, द स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट। यहाँ पे बोल रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है, मतलब गोल शेप का एक पाथ है जिसका कि रेडियस दिया हुआ है 63 मीटर। अब जो भी सर्कुलर हो शेप का होगा उसका रेडियस तो होगा ना, तो रेडियस दिया हुआ 60 मीटर। अब यहाँ पे ये बोला है कि एक साइक्लिस्ट है जो कि उसी सर्कुलर पाथ का 3 चक्कर लगा रहा है, कितने मिनट में, 3 मिनट में। 3 मिनट में उसने सर्कुलर पाथ का 3 राउंड कंप्लीट किया। अब यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना, फर्स्ट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम ड्यूरिंग दिस टाइम। अब हमें यहाँ पे क्या बताना है कि 3 मिनट में उसने जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड किया है वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि 3 मिनट में उसने 3 राउंड कंप्लीट किए हैं तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया साइक्लिस्ट ने वो निकालना है। सेकंड, नेट डिस्प्लेसमेंट बाय द साइकिल। अब इसी 3 मिनट में क्या नेट डिस्प्लेसमेंट है वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, उसके बाद थर्ड, द स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट, और साइक्लिस्ट की क्या स्पीड है ये यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से हम लोग समझ लेंगे। तो यहाँ पर जो पाथ है वो किस शेप का है, सर्कुलर शेप का। ये क्या है, ये है सर्कुलर शेप। ठीक है, तो ये सेंटर हो गया, जहाँ पर भी सर्कल की बात है वहाँ सेंटर बनाइए और रेडियस बताइए, रेडियस बनाइए। ठीक है, ये ओ हो गया और ये ए, तो यहाँ पर ओ ए क्या हो गया हमारा, रेडियस हो गया। क्या हो गया, रेडियस। तो वो कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, गिवन है रेडियस 63 मीटर, 63 मीटर दिया हुआ ये रेडियस। ठीक है, अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि अब यहाँ पर जो साइक्लिस्ट है, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, मान लीजिए ये पॉइंट ए है ना, हम ये इनिशियल पोजीशन मान लेते हैं ए। ठीक है, कोई भी इनिशियल पोजीशन कहीं से तो वो स्टार्ट करेगा ना चलना। आप ये पॉइंट भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, उस पर आप यहाँ पॉइंट बना दीजिए जहाँ भी इनिशियल पोजीशन लेंगे, जहाँ से चलना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पॉइंट ए से साइक्लिस्ट ने चलना स्टार्ट किया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि साइक्लिस्ट ने ये एक सर्कुलर सर्कल शेप का है तो इसका इसने 3 चक्कर लगाया, जैसे 3 चक्कर, जैसे ये चलना स्टार्ट किया, फिर यहाँ पहुँचा 1 चक्कर, फिर यहाँ से चलना स्टार्ट किया, फिर यहाँ पे आया 2 चक्कर, फिर यहाँ से फिर चलना स्टार्ट किया, फिर यहाँ आया तो 3 चक्कर, इसी सर्कल का उसने 3 राउंड लिया, कितने मिनट में, 3 मिनट, 3 मिनट में उसने 3 राउंड लिए। तो यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टोटल क्या डिस्टेंस हुआ, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, यही हमें निकालना है कि 3 मिनट में उसने 3 राउंड लिए तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया उसने। तो यहाँ पर डिस्टेंस निकालना, हम पहले यहाँ पर जो सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है पहले उसको हम समझ लेते हैं। सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, ये तो हम लोग शुरू से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, वो 2πr होता है, यही होता है सर्कमफेरेंस सर्कल का। अच्छा, 2πr चलिए निकाल लेते हैं, तो 2π, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। ठीक है ना, अच्छा यहाँ पर r कितना दिया हुआ, देखिए रेडियस OA क्या है भाई, रेडियस है ना, रेडियस 63 मीटर दिया हुआ रेडियस, तो यहाँ पर r की जगह क्या लिखेंगे, 63 लिखेंगे, 7 9 63 हो गया, कट गया यहाँ से, ये मीटर में है, 7 9 63, 9 2 18, ठीक है ना, 9 2 ऐसे कीजिए 22 2 44, और 44 9 इंटू कर लीजिए, 9 4 36 का 6, 9 4 36, 36 और 3 39, तो कितना आया, 396 मीटर। ये सर्कमफेरेंस बता रहा है जो कि कितना है सर्कमफेरेंस, ये हमने क्यों निकाला है, ये तो क्वेश्चन में बोला है नहीं लेकिन क्यों निकाले हैं, इससे हमें कुछ रेडियस क्यों दिया है, और रेडियस हमारा दिया तो हमने यहाँ सर्कमफेरेंस निकाल दिया, वो कितना है 396 मीटर। ये क्या बताता है, किसी भी सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या बताता है, सर्कमफेरेंस बताता है इस सर्कल का टोटल लेंथ। ये जैसे मान लीजिए आप यहाँ से सर्कल को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे और उसको इस वो मान लीजिए ये वायर है, अब इसको तोड़ेंगे बिल्कुल सीधा हो जाएगा, तो उसका पूरा जो टोटल लेंथ होता है ना उसी को सर्कमफेरेंस कहा जाता है, मतलब इस सर्कल का जो टोटल लेंथ है ना वही सर्कमफेरेंस कहलाता है। आप इसको पेरीमीटर भी बोल सकते हैं, सर्कमफेरेंस को पेरीमीटर भी, ये एक पेरीमीटर भी होता है। तो सर्कमफेरेंस नाम क्यों रखा है, क्योंकि ये एक सर्कल है इसलिए इसका स्पेशल नाम सर्कमफेरेंस रख दिया, अदरवाइज आप रेक्टेंगल में पेरीमीटर लिखते हैं, स्क्वायर में पेरीमीटर लिखते हैं, तो सर्कमफेरेंस क्या बताता है, टोटल लेंथ। अच्छा, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि अगर साइक्लिस्ट 1 चक्कर लगाता है,
केवल एक चक्कर। अभी क्वेश्चन में तो बोल रहा है कि वो तीन राउंड उसने कंप्लीट किया, मैं यहाँ पर अभी एक राउंड की बात कर रही हूँ। मान लीजिए यहाँ से चलना स्टार्ट किया साइक्लिस्ट, और यहाँ से चलना स्टार्ट किया साइक्लिस्ट, यहाँ से चलते 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 यहीं पर पहुँचा, तो एक चक्कर लगा, ठीक है ना, एक चक्कर उसने लगाया। अब मैं पूछूँ कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप क्या बताएंगे? भाई यहाँ से चलना स्टार्ट किया उसने, तो कितना डिस्टेंस कवर किया? तो भाई जो सर्कमफेरेंस है उसका टोटल लेंथ दिया 396 मीटर, तो भाई लेंथ जो इस सर्कल का जो टोटल लेंथ है यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक जो टोटल लेंथ है, या जो सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कमफेरेंस क्या बताता है, सर्कल का टोटल लेंथ, तो एक राउंड में उसने इतना ही तो डिस्टेंस कवर किया। लेंथ का मतलब क्या है? सर्कमफेरेंस का मतलब होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर का मतलब टोटल लेंथ सर्कल का। टोटल लेंथ का मतलब क्या है? टोटल लेंथ और डिस्टेंस दोनों का मतलब तो एक ही है ना। लेंथ बताने का मतलब क्या? डिस्टेंस ही बताना हुआ ना, दोनों की यूनिट तो मीटर ही होती है, या फिर सेंटीमीटर होती है, या फिर किलोमीटर होती है। तो यहाँ पर अगर एक राउंड कंप्लीट करता है साइक्लिस्ट, ठीक है ना, तो एक राउंड कंप्लीट सर्किट कंप्लीट कर रहा है, और मैं पूछूं कि क्या कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप क्या बोलेंगे? भाई जो सर्कल का सर्कमफेरेंस होगा वही तो डिस्टेंस कहलाएगा ना। तो यहाँ पर एक राउंड, वन राउंड अगर कंप्लीट करता है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? यही सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस टोटल लेंथ बताता है ना सर्कल का, तो टोटल लेंथ मतलब क्या? डिस्टेंस ही हुआ ना, तो 396 मीटर हुआ ना 396 मीटर, इतना ही तो डिस्टेंस कवर करेगा ना 396 मीटर। पूरा टोटल लेंथ सर्कल का कितना है? 396 मीटर, तो इतना ही तो चलेगा ना एक राउंड कंप्लीट करेगा तो एक राउंड कंप्लीट करेगा तो 396 मीटर चलेगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि तीन राउंड उसने कंप्लीट किए हैं, तीन राउंड कंप्लीट किए हैं कितने टाइम में? 3 मिनट में। तो यहाँ मिनट का अभी हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें यह पता चल गया कि एक राउंड अगर कंप्लीट करेगा तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 396 मीटर। और ये एक राउंड जो कंप्लीट कर रहा है वो सर्कमफेरेंस के ही तो बराबर कहलाएगा। सर्कमफेरेंस का मतलब क्या है? एक राउंड कंप्लीट करना, तो एक राउंड कंप्लीट करता है तो 396 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो थ्री राउंड में कितना करेगा? इन थ्री राउंड में कितना करेगा? एक राउंड में इतना डिस्टेंस, तो थ्री राउंड में कितना होगा? जस्ट थ्री इसमें इंटू ही तो करेंगे, थ्री इंटू ही तो करेंगे, तभी तो आएगा ना। तो 396 में आप 3 इंटू कर दीजिए, 3 6 18 का 8, 3 9 27 हो गया, 28 का 8, 3 9 10 11 कितना आया? 1188 मीटर। मतलब कि यहाँ पर पहला हमें क्या बताना है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम ड्यूरिंग दिस टाइम, ड्यूरिंग दिस टाइम का मतलब कि तीन मिनट में उसने तीन राउंड कंप्लीट किए, तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? तो हमने पता कर लिया कि एक राउंड अगर कंप्लीट करता है तो इतना डिस्टेंस कवर करता है, तो तीन राउंड में कितना होगा? जस्ट इसमें 3 इंटू कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा, मतलब कि तीन राउंड में वो इतना टोटल डिस्टेंस कवर करता है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई हिम ड्यूरिंग दिस टाइम, ड्यूरिंग दिस टाइम कितना होगा? 1188 मीटर आ गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रहा है? नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साइकिल, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साइक्लिस्ट। तो उसने तीन राउंड लिए, तो हमने तीन राउंड का डिस्टेंस ये निकाल दिया 1188 मीटर, इतना डिस्टेंस टोटल कवर किया तीन राउंड में। तो अब यहाँ पर यह बोल रहा है कि फिर इसी तीन राउंड चला तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी, जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो इनिशियली मैंने तो ये पॉइंट माना, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो इनिशियल पोजीशन तो हमें पता है, मैंने बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस। तो इनिशियल पोजीशन ये है। अब यहाँ पे आप तीन राउंड लगाइए और देखिए कहाँ पहुँचता है, तो वो जहाँ पहुँचेगा लास्ट में वही फाइनल पोजीशन कहलाएगी। तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो एक चक्कर लगाया तो फिर यहीं पर पहुँचा, अच्छा अब फिर यहाँ से दूसरा चक्कर लगाएगा, चलते 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 फिर इसी पोजीशन पहुँचा, हमें तीन राउंड का बताना है, फिर यहाँ से चलेगा तो तीसरा राउंड कंप्लीट होगा, तो तीसरे राउंड में पे यहीं पे आके पहुंचा, यहीं से चलना स्टार्ट किया, तीन चक्कर लगाया, लगाते लगाते इसी पोजीशन पे फिर पहुंच गया। तो यही इनिशियल भी है, इनिशियल पोजीशन, और यही फाइनल पोजीशन भी है, मतलब यहाँ पर इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है। यहाँ पर तीन राउंड लगाइए चाहे आप 10 राउंड लगाइए, अगर क्वेश्चन में ये कहे कि 10 राउंड कंप्लीट करेंगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपको पता रहना चाहिए। इनिशियल यहाँ से चल रहा है और फाइनल आप 10 चक्कर भी लगाइए तो यहीं पे तो पहुँचेंगे। तो इनिशियल इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है, दोनों एक ही पॉइंट पर है,
तो डिस्टेंस क्या होगी भाई, जीरो ही तो होगी ना, दोनों एक ही पॉइंट पर है ना, तो डिस्टेंस तो निकलेगी ना, जीरो ही हो जाएगी ना, दोनों माइनस क्या करेंगे, जीरो हो गए। अगर एक ही, अगर इनिशियल और फाइनल पोजिशन एक ही पॉइंट पर रहता तो उस वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो होगा। तो यहाँ पर नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। अब हमें यहाँ पर थर्ड क्या निकालना है, थर्ड निकालना है स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट, ठीक है ना। तो स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट हमें निकालना है, यानी कि हमें स्पीड निकालना है, स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। यहाँ पर आप स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन होता, ये होता है। यहाँ पर जो हम स्पीड निकालेंगे ना, वो तीन मिनट में जितना राउंड कंप्लीट किया है ना, थ्री राउंड, यहाँ पर जो भी टोटल डिस्टेंस निकालना है, टोटल निकाला गया है, वो थ्री राउंड कंप्लीट का निकाला गया है। नेट डिस्प्लेसमेंट भी थ्री राउंड जो कंप्लीट किया है उसी बेसिस पर नेट डिस्प्लेसमेंट निकाला गया। यहाँ पर स्पीड भी उसी बेसिस पर निकालना, थ्री राउंड कंप्लीट जो किया है ना, उसी का टोटल, उसी का हमें स्पीड यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर जो हमारा स्पीड का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे तो तीन राउंड कंप्लीट कर रहा है ना, तो टोटल डिस्टेंस हम यहाँ पे लिखेंगे, और फिर टोटल टाइम टेकन, ठीक है ना। तो टोटल डिस्टेंस तो हमने निकाल दिया, यहाँ पर स्पीड जो निकाला जा रहा है, तीन राउंड कंप्लीट किया उसका निकाला जा रहा है टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस तो हमने निकाल दिया, कितना आया, 1188 मीटर आया है, ये आया है, ठीक है। अच्छा, टोटल टाइम, तो यहाँ पर तीन राउंड जो कंप्लीट किया है उसका टोटल डिस्टेंस ये आया है, और तीन राउंड कंप्लीट करने में उसको टोटल टाइम कितना लगा है, तीन राउंड कंप्लीट करने में 3 मिनट। तो टोटल टाइम भी दिया हुआ है, टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, 3 मिनट। तो यहाँ पर स्पीड देखिए, ये मीटर में है डिस्टेंस और ये मिनट में है टाइम, तो स्पीड मीटर पर सेकेंड होता है, तो ये मिनट में है, इसको सेकेंड में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 मिनट जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 60 सेकेंड के बराबर होता है। तो 3 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड के बराबर होता है, 3 मिनट का कितना क्या होगा, 3 × 60 कर देंगे तो ये सेकेंड हो जाएगा, तो 3 × 60 इसमें जस्ट 3 × कर दीजिए तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 3 × 6 = 18 180 सेकंड। तो ये हमारा 180 सेकंड आ गया। आप जो है चाहे तो 180 s भी ले सकते हैं, s में यहाँ सेकंड है। तो टोटल टाइम ये दिया, टोटल डिस्टेंस ये दिया, बताओ स्पीड निकाल लीजिए, स्पीड टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम टेकन हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे स्पीड हमने डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन ना लिख करके स्पीड इसका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्यों लिखा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए थ्री राउंड तीन चक्कर लगाए गए हैं ना, तो हमको इसीलिए यहाँ पर टोटल डिस्टेंस लिखना पड़ा है। और उस टोटल डिस्टेंस कवर करने में टोटल टाइम कितना लगा है वो बता दिया है यहाँ पे, 3 मिनट, इसलिए हम ये लगा रहे हैं फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड अब निकाल लेते हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 1188 मीटर, और टाइम कितना लगा है, 180 सेकंड, ये आया है। तो चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, पहले काट लेते हैं, देखिए 2 से जाएगा ये हमारा, या फिर आपका 6 से भी जा सकते हैं, देख लेते हैं। तो 6 × 1 = 6, तो 11 में 6 = 58, 6 × 9 = 56, यस ये 6 से जाएगा, 6 × 3 = 18, 30। अच्छा ये जाएगा, देखिए 1188 जो है 6 से डिवाइड हो जाएगा, मैं कर देती हूँ, 6 × 1 = 6, 5 × 8 6 × 6 = 36, 6 × 7 = 42, 6 × 8 = 48, और 6 × 9 = 54, 6 × 9 = 54, तो 48, फिर ये क्या हो जाएगा, 6 × 7 = 42, 6 × 8 = 48, ये माइनस हो गया, इतना हो गया ना, 6 × 8 = 48 हुआ, ठीक है। तो ये कट गया हमारा यहाँ पर, तो कितना आया, 198 आया। ये अगेन 3 से कट सकता है, यस 3 × 1 = 3, और 3 × 6 = 18, ठीक है। और यहाँ पे 3 × 6 = 18 अगेन कट गया, अब ये 2 से भी कट जाएगा, तो 2 × 3 = 6 = 33, और 2 × 5 = 10, तो कितना आया स्पीड हमारा, 33 आया, नीचे 5 आया, और ये मीटर है पर सेकंड है, तो ये रहेगा यूनिट मीटर पर सेकंड। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 33/5, तो बहुत इजीली डिवाइड हो जाएगा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 5 × 30, फिर पॉइंट लगा के 1 0 लगा दें, तो 5 × 30 मीटर पर सेकंड। तो ये आया स्पीड, मतलब कि जो साइक्लिस्ट है, अगर वो भाई साइक्लिस्ट तो मूव कर रहा है ना, तो उसकी कोई तो स्पीड होगी ना, तो जो 3 मिनट में जो उसने 3 मिनट में उसने 3 राउंड कंप्लीट किए, तो जो स्पीड लगा वो ये था, 6.6 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर मैंने ये तीनों का आंसर निकाल दिया है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।